जॉब के लिए थी यहाँ पे, मेरे लॉकडाउन में जॉब छूट गई है। अच्छा, तो उस वजह से मतलब रेंट नहीं दे पाई 3 महीने का। तो मतलब जहाँ पे रहती हूँ मतलब पीजी पे, वहाँ पे उन्होंने पैसे, जब पैसे लेंगे तब सामान वगैरह देंगे। अभी सामान भी रख लिया उन्होंने, सामान भी रख लिया सारा। तो मतलब कितने महीने का रेंट? 3 महीने का। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान की। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जोकर अयान में, यानी कि जोकर वही और अंदाज नया। तो मैं गया था लड़की पे प्रैंक करने, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रैंक तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लड़की ज़्यादा इमोशनल थी। तो उसका कुछ देना था, क्या था जो था, वीडियो में देखना, आपको वीडियो में ही पता चलेगा। पूरा वीडियो को देखना पूरा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए यूज़र नेम यहाँ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। एक्सक्यूज मी, एक मिनट जरा फोन निकाल लो बाहर, बैठ जाता हूँ मैं। हैं, कौन जानते हो मुझे? क्यों जानूंगा मैं तुम्हें? क्या हो गया, बैठ नहीं सकता क्या? बोलो और बताओ क्या हाल है। बस बढ़िया। ठीक हो? हाँ। बस ठीक ही रहना चाहिए। हाँ। क्या कर रही हो अकेले? कुछ नहीं। क्यों, कुछ तो कर रही होगी, बैठी हुई है फोन चला। बॉयफ्रेंड का वेट या नहीं? कोई आ रहा है तुमसे मिलने? नहीं, कोई नहीं आ रहा मिलने। कौन आएगा मुझसे मिलने? क्या पता कोई आ जाए, इतनी तो हॉट हो तुम। और क्या, तो मतलब तुम हॉट नहीं? देखो चिड़िया कितनी प्यारी है ना। तुम्हारे दांत पीले कैसे हो रहे हैं? काम पीले हैं। काम पीले हैं। जैसे आपके हो रहे हैं? मैं तो ब्रश करता हूँ डेली। तुम ब्रश करता डेली? तो पीले कैसे पड़ रहे हैं? पीले आए नहीं, वो दिख ही रहे हैं मुझे। मुझे भी दिख ही रहे हैं। मैं रोज ब्रश करती हूँ, मुझे नहीं पता होगा। कहाँ करती हो? मैं थोड़ी ना देखने आता हूँ तुम्हें। अच्छा, और क्या, तो फिर कैसे बोल रहे हो देखने नहीं आते? तो चलो एक काम करते हैं, हम सौदा करते हैं। काई चीज का? तुम भी फ्री, मैं भी फ्री। किस चीज का? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। क्यों, तुम इतनी क्यूट सी हो? मैं जानती नहीं हूं, मैं जानती नहीं। अच्छा चलो, मेरे में ये बताओ कोई कमी है? मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है? क्या क्या ठीक है बताओ? सब ठीक है। मतलब पर्सनालिटी में कहीं से कहीं तक सब ठीक है? क्या ऐसा लगता हो ये तो बता दो। अच्छे हो, बट खजीला चूतिया तो नहीं लग रहा ना? बोला खजीला चूतिया लग रहे हो। अच्छा फिर ठीक है ना, फिर लड़की की नज़र में ये लगना चाहिए ना कि हाँ मिनट में सेट हो जाएगी। हाँ तो ऐसा है, देखो तुम भी हॉट, मैं ग्रिल। अच्छा, दोनों की जोड़ी बनेगी? नहीं, बढ़िया वाली। नहीं, हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? बस भाई नहीं करना यार। क्यों, जरूरी है क्या? प्यार करो, खुला दोस्त बन सकते हैं यार, बॉयफ्रेंड दोस्त क्यों बन सकते हैं? मतलब यार, मतलब ऑब्वियसली बात है यार, हम जीएफ बन गया, क्या करना है? क्या हो गया, प्यार करेंगे डेली, कहीं घूमने जाया करेंगे। अच्छा, और क्या? अच्छा, डेली नई नई जगह घुमाने जाया करूँगा। ओ, हमें नहीं घूमना, जो कहोगी वो खिलाऊंगा। नहीं नहीं, आके खाओ। क्यों नहीं, बस इंसान नहीं जानवर हो? नहीं, मैंने बोला मैं जानवर, दिख नहीं रहा इंसान बैठे हैं। तो फिर क्या, खाती नहीं हो क्या? कुछ नहीं खाती, सब खाते हम घर में। तो फिर घर में खाते हैं, तो फिर बाहर क्यों नहीं खाएगी? बस बाहर का नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? अरे नहीं खाना है, जरूरी है क्या? चलो ठीक है, ऐसा करो, देखो तुम इतनी क्यूट हो, तुम्हारे बाल इतने क्यूट है यार, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। नहीं, कोई कहेगा, कोई कहेगा देख अपनी मम्मी के साथ जा रहा है, हैं? तो, फिर मैं उसे मारूंगा। फिर मैं कहूंगा उसे, चला है बॉयफ्रेंड हूँ मैं इसका। अच्छा, कहेगा अबे तू तो बच्चा है, वो तो दे। तो बच्चे ही हो तुम अभी। अबे मेरी अंदर की फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स दबा लो, बच्चे हो तुम अभी, पता है तुम्हें? नहीं, कौन सी क्लास में हो, कितने साल के हो? हैं, मैं, मेरे हाल चाल मत पूछो, मैं बहुत बेकार हूँ। मैं जब से मैं अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हुआ ना, तब से मैं सेंटी हो गया हूँ थोड़ा सा। कौन थी गर्लफ्रेंड? थी यार वो बड़ी। तो बताओ क्या हुआ है आपको? यार छोड़ो यार, तुम जाओ। अरे मैं तो चला जाऊँगा, बट आप एक बार हेल्प तो बताओ कोई। यार छोड़ो यार, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, कैसे बात शेयर कर दो अपनी। अरे जान तो लोगी, बट एक बार बताओ तो सही, क्या पता मैं आपका सोल्यूशन निकाल सकूँ। क्या पता, बट एकदम से किसी को ही बताना। नहीं नहीं, बता सकते हो आप, मुझे बताओ तो सही थोड़ा सा। अरे मतलब मेरा रेंट, मतलब पीजी में रहती थी मैं, वहाँ का रेंट मतलब भरना है।
रेंट भरना है तो मतलब जॉब के लिए थी, यहाँ पे मेरे लॉकडाउन में जॉब छूट गई है। अच्छा, तो उस वजह से मतलब रेंट नहीं दे पाई 3 महीने का। तो मतलब जहाँ पे रहती हूँ मतलब पीजी पे, वहाँ पे उन्होंने पैसे, जब पैसे लेंगे तब सामान वगैरह देंगे। अभी सामान भी रख लिया उन्होंने, सामान भी रख लिया सारा। तो मतलब कितने महीने का रेंट? 3 महीने का। ओ, तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान की। अच्छा, तो मम्मी पापा को पता है आपको? हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ। नहीं, मम्मी पापा को ये सब नहीं पता, रेंट वगैरह। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, चलो कुछ करता हूँ। मेरे ना मतलब एक सीनियर है आयान भाई, तो मैं आपके ऊपर ना प्रैंक करने आया था, मजाक करने आया था, बट आपकी तो वो है इतनी वो, तो मैं कैमरा लगा रखा था, वो लगा कैमरा मेरा, तो मैं एक बार बात करता हूँ। हेलो हेलो, अच्छा बैल ही नहीं। हाँ हेलो आयन भाई, नमस्ते आयन भाई। अरे मैं यहीं आया था, आपने भेजा था ना प्रैंक करने के लिए साउथ एक्स। हाँ साउथ एक्स, तो ना मैं एक लड़की पे प्रैंक करने गया था, तो वो लड़की परेशान थी, उसके रेंट देना हो था पीजी का, तो क्या करूँ फिर? ऑफिस ले आऊँ? ऑफिस पूछता हूँ एक मिनट, ऑफिस चल लोगे? नहीं यार, नहीं जानती मैं आपको, फिर कैसे चल? अरे डर क्यों रहे हो? अरे चलो मैं देखता हूँ, ऑफिस ले आऊँगा। क्या अरुण भाई को पैसे दे दोगे? 15,000 रुपये है, ठीक है, मैं अरुण भाई से पैसे ले लूँगा, ठीक है, थैंक यू। हाँ देखो अब पैसे भी हो गए, अब एक काम करो हमारे ऑफिस चलो, कोई डरने वाली बात नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलत वीडियो नहीं है। वो मैं कैमरा लगा रखा, वीडियो बना रहा था, तो 15,000 रुपये मैं आपको ऑफिस में ही दे दूंगा, तो आप मेरे साथ ऑफिस चलो। मैं आपको दे दूंगी बाद में। नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, जब कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसे मैं हमारे साथ भी होता है कई बार, तो आपके साथ कभी आपको लगे ना कि आपके साथ में कोई है, किसी के कोई है, तो आप उसकी हेल्प कर देना, ये सोचना कि मैंने किसी को दे, उसी को ही दे दिए पैसे, तो हमारे साथ भी होता है, आप भी किसी कभी हो तो आप भी किसी की हेल्प करना। हाँ बिल्कुल, आओ मेरे साथ ऑफिस चलो, आ जाओ भैया आप भी आ जाओ।